अभी जो है रजनीकांत जी की जेलर मूवी आई है वो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, जो कि 500 करोड़ से भी ज़्यादा की वो कमाई कर चुकी है और वो आगे भी कर रही है, करती जा रही है। तो हम ये मूवी की क्यों बात कर रहे हैं, बात मूवी की नहीं है, बात अब ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ के पैर क्या छूले रजनीकांत ने। लिबरल लोग और सेकुलर लोगों ने तो जो है रजनीकांत जी का जीना हराम कर दिया भाई साहब। ऐसे ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं उनके ऊपर कि बीजेपी का दल्ला हो गया, आरएसएस का दल्ला हो गया, केवल अपनी मूवी को नॉर्थ में हिट कराने के लिए योगी के पैर छूने लगे यार। कई प्रकार के उन पर टैग लगा दे रहे, कई प्रकार के उन्हें जो है रोल दे दिया जा रहा है इनके द्वारा। तो मीडिया का काम यही है और सेकुलर लोगों का, लिबरांडू लोगों का काम यही है कि सनातन के बारे में और सनातन से आप जो है रिलेटेड कुछ भी कार्य कर दें तो आपको जो है अपने टारगेट में ले ही लेते हैं। तो बात है जब जो जेलर मूवी के जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, 400 करोड़ पार कर चुकी है, तब जो है अभी रजनीकांत जी जो है बद्रीनाथ धाम गए होते भगवान श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के, उसके पश्चात वो अयोध्या गए होते जहाँ वो कहते हैं कि श्री रामलला के मंदिर के संपूर्ण होने के साथ ही मैं फिर से जो है श्री रामलला के दर्शन करने आऊँगा। और ठीक है, सनातन के लिए रजनीकांत जी जो है साउथ एक्टर जो ज़्यादा जाने जाते हैं बॉलीवुड की अपेक्षा में, कि सनातन धर्म को वो जो है खुल के प्रमोट करते हैं, खुल के जो है अपने विचारों को रखते हैं। तो इस प्रकार से रजनीकांत जी जो है लखनऊ जाते हैं और योगी आदित्यनाथ से जिसे मिलते हैं, और इसी प्रकार से जब वो जो है मिलते जाते हैं तब जो है योगी आदित्यनाथ जी को चरण स्पर्श कर रहे थे, जबकि ये सनातन धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये बिल्कुल ही सिंपल एकदम नॉर्मल एक्ट था। क्योंकि कोई भी योगी होता है जो संन्यास ले चुका होता है, जो हमारे धर्म के लिए कार्य करता है, हम उनके पैर छूते हैं, चाहे हमसे बड़ा हो या छोटा हो। तो यही भावनाओं को आदर करते हुए, यही भावनाओं का पालन करते हुए, सनातन का पालन करते हुए रजनीकांत जी जो है 72 साल के होते हुए 52 साल के योगी आदित्यनाथ के चरण स्पर्श करते हैं, पैर छू लेते हैं। लेकिन सेकुलर लोग, लिबरांडू लोग इस पर भड़क जाते हैं कि 72 साल के रजनीकांत योगी आदित्यनाथ का पैर कैसे छू लिया, कैसे बीजेपी का दल्ला हो गया, कैसे रजनीकांत ने अपनी मूवी को केवल नॉर्थ में चलाने के लिए योगी आदित्यनाथ का शरण ले लिया। ये क्या बात कर रहे हो भाई, इतना बड़ा सुपर स्टार है उसको क्या इस सब चीज़ की ज़रूरत है, क्या उसको ऐसे कुछ दिखाने की ज़रूरत है कि उसकी मूवी हिट हो जाए, जबकि 500 करोड़ प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुके हैं, सेकेंड हाइएस्ट ग्रॉसर तमिल मूवी बन चुकी है। तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है भाई रजनीकांत जी को कि वो जो है योगी आदित्यनाथ के जो है पैर छूने से कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। ये केवल उनकी जो है अपनी जो है धार्मिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से वो सन्यासी का जो है सम्मान करते हैं, किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का इमेज उनके मन में बना हुआ है, ये इसी केवल इसी चीज़ को दर्शाता है जो कि लिबरांडू और सेकुलर लोग जानते ही नहीं हैं। और ये वोक लोग और ये सेकुलर लोग क्या बोल रहे हैं, ये लिबरल लोग ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे सनातन धर्म में भी तो ऐसे लिखा है कि जो है बड़े छोटे के पैर नहीं छूते। लेकिन वही बात है, सेकुलर लोग जो है लिबरांडू लोग सनातन के बारे में जानते हैं क्या है, ये क्या जाने कि सनातन धर्म आखिर कहता क्या है कि हम जो है छोटे बच्चियों के तब पैर छूते हैं क्योंकि हम उनमें दुर्गा माता को देखते हैं। उसी प्रकार से जो है सन्यासी जो कि अपने सारे दुख दर्द मोह माया कष्टों का त्याग करके सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हो और उच्च पद पे वो ऑलरेडी आसीत है, तो उसके लिए जो है पैर छूना जो है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल छोटा सा काम ही है सनातन धर्म में। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे योगियों का जो कि पीठाधीश्वर है हमारे गोरखपुर के, गोरखपुर टेम्पल के जो कि वहाँ के महंत रह चुके हैं बहुत समय से, और इस प्रकार से जो है वो कई सारे धार्मिक कार्यों में जुड़े ही रहते हैं, भगवा वस्त्र गर्व से धारण कर रहे हैं, निर्भर होकर मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने धार्मिक पक्षों को रख रहे हैं, जब क्योंकि किसी प्रकार सेकुलरिज्म का पालन नहीं कर रहे हैं कि मैं जो है सभी जगह जाके वोट मांगूंगा, इस प्रकार से वो किसी प्रकार से जो अंधभक्ति का खेल नहीं खेल रहे हैं, वो सीधा अपना बात को सीधा स्पष्ट रख रहे हैं, और ऐसे लोगों के प्रति ही लोगों का सम्मान जगता है। और यही कार्य किया रजनीकांत जी ने जब वो योगी आदित्यनाथ के छूते हैं, इसी को जो है मीडिया ने बवाल बना दिया और रजनीकांत जी को ट्रोल करने लगे, जबकि ये सनातन धर्म में एक आम बात है, एक छोटी सी बात है, एक नॉर्मल बात है। और सनातन विरोधी तो विरोध करते ही हैं, क्योंकि सनातन विरोधी तो विरोध करते हैं, सेकुलर लोग, लिबरांडू लोग, ये जो लिबरल लोग, वो माइंडेड लोग हैं, ये तो विरोध करते हैं, क्योंकि आप भगवा वस्त्र कर उसे कैसे धारण कर सकते हो, आप हिंदू परंपरा को कैसे मान सकते हो। अगर कोई छोटे उम्र का जो है मौलाना अगर किसी को जो है बड़े जो मुसलमान को आशीर्वाद दे तो कोई नॉर्मल कोई अजीब बात नहीं, अगर कोई छोटा उम्र का जो है पोप हो, क्रिश्चियन हो, वो जो है किसी को आशीर्वाद दे वो सब हो तो सब नॉर्मल है। लेकिन कोई छोटा उम्र का अगर सनातनी जो है किसी अपने बड़े उम्र को आशीर्वाद दे, फिर सनातन धर्म में कुछ इस प्रकार का कुछ बात हो तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि सनातन को ही कुछ बोल सकते हैं ना, दूसरे जगह जाके बोलें कि इनको काट के फेंक दिया जाए, क्योंकि सनातन को ही तो सिंपल है टारगेट करना, सनातन को ही जो है विरोध करना सब लोग सबको आसान लगता है, बाकी किसी में तो कोई बुराई ही नहीं है। और यही बात है हमारे देश का कि आज वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। तो यही बात था कि रजनीकांत जी ने योगी आदित्यनाथ जी का पैर क्या छू लिया, लोगों ने तो जो है उनके ऊपर एकदम से चढ़ बैठे कि कैसे कर सकते हो, ये कैसे कर रहे हो तुम, तो जो है ये भी बात है कि आर्यन द्रविड़ियन पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग जो है साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन को बांटने वाले, क्या जानेंगे कि सनातन धर्म जो है जड़ों से मूलतः एक ही है, हमारे परंपरा अलग अलग, हमारी मान्यता अलग अलग, लेकिन सनातन धर्म का जो मूल तत्व जो जड़ है वो एक ही जगह जुड़ता है और वही जो है अखंड भारत का निर्माण करता है। तो क्या आप किस बारे में आपका क्या कहने का बताएगा जैसे।